चाहिए। हमारे यहाँ पैसे को, दौलत को, हुकूमत को क्या कहते हैं कि पैसा है, उर्दू का मुहावरा है, ये पैसा हाथ का मैल है, हाथ का मैल है, हाथ का मैल है, हाथ का मैल है। पैसा क्या है? ये पैसा हाथ का मैल है, हाथ का मैल है, हाथ का मैल है। इस लोगों को कैसे दूर किया जाए, कह तो शायद संजीदा लोग दूर होने लगे।
तो यार बच्चे ना आने लगे, जब बच्चे आने लगे और परवान चढ़ने लगे तो फिर बड़े होंगे तो यही इनका सहारा बने। दूर कैसे किया जाए गरीब वाला कहा जाए। आखिर मतलब खैर कहीं ऐसा ना हो कि खवातीन गुरबत का इख्तियार कर फिर क्या किया जाए, जादू बन जाए तो खवातीन अपने आप तवज्जो अपने आप दूर हो जाएंगे। धीरे साहब अब इतना सुनिएगा, तवज्जो पैगंबर सर पे लकड़ियों के कटरे रखे ले जा रहे थे और एक हुज़ैफ़ा सर पे लकड़ियों के कटरे रखे ले जा रहे थे तो नबी उधर से गुजरे जो कि जबान जो गाँव माँ चची खाला लाइए मैं आपकी मदद कर देता हूँ, मैं ये उठा के आपके घर तक पहुँचा देता हूँ। हमारे साथ तो बेटा पहुँचा दो। और नबी ने जैसे ही घर तक पहुँचाया तो हुज़ैफ़ा ने कहा कि बेटा मैं रोज इधर से गुजरती हूँ, इस लफ्ज़ पे आपके सबके हाथ पलट होंगे, रोज इधर से गुजरती हूँ मगर आज तक मेरी किसी ने मदद नहीं की, आज आप नहीं है, मेरे पास देने के लिए कोई तोहफा नहीं है, मगर बेटा बुजुर्गों की नसीहत किसी तोहफे से कम नहीं होती। बुजुर्गों की नसीहत किसी तोहफे से कम नहीं होती। बेटा मैं तोहफा तो नहीं दे सकती मगर एक नसीहत कर रही हूँ, अम्मा कीजिए कल शहरे मक्का में एक मोहम्मद नामी जादूगर आया हुआ है। Yeah.
بہادر بچہ اس کی حفاظت میں آگے آگے کر رہا ہوں. اچھا تیاری کر دیں, سب نے کچھ بھی الزام لگایا, کسی نے پیغمبر پہ خیانت کا الزام نہیں لگایا کسی نے, اور یہ وجہ ہے. پر دو چیزیں سنیے گا پورے مجمع کی توجہ, یہ وجہ ہے کہ پیغمبر ہجرت کر کے تھے نہیں چلے, ہجرت بھی پڑھو ہجرت ایک بہت لمبا موضوع ہے. رات بھر کافی انتظار کر رہے ہیں, صبح ہوئی اندر آئے سے چادر رکھ لیا, کام ہے وہی تو میرے حوالے کر گئے, بیٹا بچ گیا اور بار بار یہ طالب کا بیٹا آ جاتا ہے عبداللہ کے بچے اور کو بچا کے لے جاتا ہے. سلام پڑھے بابا,
مگر نیچے سن لیجیے گا اس انداز میں کیا ہوا ہوا. بچپن نے ہنسنا شروع کیا آدمی نے پڑھنا شروع کیا ایک ایک جملہ اور سن لیجیے. اس کے بعد